नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और ये है आपका नटखट विनायक। आज विनायक के छोटे मामा जी आए हैं क्योंकि विनायक और मैं हम लोग जाएंगे अपने घर, क्योंकि मेरा दूसरा जो छोटा भाई है उसको एक बेटा हुआ है और इसी वजह से हम लोग सब जाएंगे, बस विनायक के पापा नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये वाले ड्रेस विनायक के लिए उसके मामा लेके आया है और ये डब्बे में एक पाउडर भी लाया है जो कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट से हेल्दी पाउडर बना के लाया है। यहाँ देखिए विनायक कॉर्न खा रहे हैं। अभी ये कॉर्न हम लाए थे पिज्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पिज्ज़ा बनाना नहीं आता, ओवन है, लेकिन मेरे छोटा भाई जो है उसको बनाना आता है तो वही बनाएगा, इसलिए कॉर्न भी लाए थे। विनायक थोड़ा सा खा रहा है, बाकी जो है अभी हम पिज्ज़ा बनाएंगे और आप लोग भी देखिए कैसे पिज्ज़ा बनाते हैं हम लोग। ये रहा हमारा एक छोटा सा ओवन जो कि हम पिज्जा कभी बनाए नहीं है क्योंकि हमें आता ही नहीं है, और अब मेरा छोटा भाई जो उसको बनाना आता है तो वो सिखाएगा, दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे देखो वो स्टार्ट कर दिया है बनाना। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है वो गांव में पिज्जा सबको बना के खिलाने के लिए पिज्जा बेस और जो भी सब कुछ सामान चाहिए, बटर वगैरह, ये सब लेके आया था साथ में, और इसीलिए हम सोचे कि हमारे पास तो ओवन भी है और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए वो लेके मार्केट से हम यहाँ बना लेंगे, तो साथ में पिज्ज़ा खा भी लेंगे और हम लोगों को पता ही नहीं कैसे पिज्ज़ा बनाते वो भी सीख जाएंगे। इसलिए हम अभी पिज्ज़ा बना रहे हैं। नहीं सूंघते नहीं है, रख खाने की चीज़ है ना। देखिए यहाँ पर हम जो कुछ रखे, कुछ प्याज रखे हैं, टमाटर, धनिया पत्ता और कॉर्न और पनीर ये लाए हैं, और यहाँ पे जो चटनी शेजवानी सॉस वगैरह लगा के ऐसे बना दिया है। देखो अब ये जा रहा है ओवन के अंदर, फिर बन के तैयार हो जाएगा हमारा पिज्ज़ा। ये प्लास्टिक टायर रखी हुआ है, बहुत प्लास्टिक ओवन के साथ एक छोटा सा बुक मतलब दिया है कि कैसे किस क्या बनाने के लिए कैसे हम सेट करें ओवन को, तो पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें दिया था कि 200 डिग्री का ये रखना है टेम्परेचर, और टाइमर हमने 20 मिनट रखने के लिए दिया था, तो वही किए हैं। अगर जल गया तो विनायक खाएगा, और अच्छा बना तो हम सब मिल बांट के खाए देंगे। पहली बार बन रहा है, चलिए हम अब दूसरा वाला बना लेते हैं, क्योंकि जब तक ये बन रहा है तब तक हम दूसरा अगर तैयार करके रखेंगे तो उसको निकालते ही इसको फिर रख देंगे और ये भी बन के तैयार हो जाएगा, फटाफट हम फिर ये भी खा लेंगे। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है, अब देखो किस पे हम कट कर रहे हैं पिज्ज़ा को, जो जुगाड़ हो पाता है उसी से हम इंडियन लोग बना ही लेते हैं। तक करता है ना, दूसरा वाला है, अरे कैसे लग रहा है, सुपर। उसे नहीं गया पक्के हो गए चिल्ली फ्लेक्स। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन में, रेलवे स्टेशन को, वहाँ पे ट्रेन है तो वहाँ पे बैठ के हम जा रहे हैं पिज्जा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ट्रेन मॉर्निंग में ही था, तो इसीलिए मैं घर से कुछ सामान लेके आई हूँ, कुछ चीज़ें लेके आई हूँ खाने के लिए, जैसे कुछ मोमोज लेके आई हूँ, चाउमीन लेके आई हूँ, और मैं एक्चुअली रात को ला के फ्रिज में रखती थी और ताकि हम सुबह सुबह आ सकें। तो ये होता है ऐसा नहीं कि ट्रेन में खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है ट्रेन में चाउमीन खाने का, तो
तो इसलिए मैं फ्रिज में रखी थी, जब तक यहाँ से नॉर्मल हो गया तो खा रहे हैं अभी। यहाँ देखो हमारा नटखट विनायक अभी खेल रहे हैं, और मैं इसको जींस और शर्ट पहना के लाई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन में आती हूँ तो मैं उसको दूसरा चेंज करवा देती हूँ कुछ हल्के ड्रेस में। ये देखो ताकि वो अच्छा कंफर्टेबल रहता है बैठने के लिए, थोड़ा खेलने के लिए, इसीलिए। अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा नज़ारा। यहाँ पर देखिए एक बच्चा यहाँ पर झूला झूल रहा है, वो शायद एक पेड़ पे लगाया है, झूला लगा के खेल रही है लड़की, शायद या लड़का खेल रहा है, और उसकी माँ भी साथ में है। ये देखो यहाँ पर अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं, और तैयार होकर फिर ये सबको पैसे मांगेंगे और सबको आशीर्वाद भी देते हैं, और माना जाता है इनका आशीर्वाद बहुत काम आता है, तो हमने भी इनका आशीर्वाद लिया। विनायक अभी सो रहे हैं। ये भी देखो कितना सुंदर है। यहाँ सारे ट्रेन लाइन अभी, ये देखो कौन सा फूल है मुझे यहाँ नहीं पता ये वाला फूल, लेकिन बहुत सारा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। ये देखो सारे ट्रेन लाइन कैसे बबनी। अभी हम उड़ीसा में आके पहुँच गए, हम पहुँच गए ना, पहुँच गए। हिंदी में बोलोगे तो समझ में आएगा ना। अभी स्टेशन में और बड़े मामा, बड़े मामा गाड़ी लेने आए, गाड़ी लेके आएंगे हम जाएंगे। ये विनायक के बड़े मामा आ गए हैं हमारी गाड़ी लेके, अभी हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे घर में, सबको सरप्राइज देंगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि विनायक और मैं हम दोनों आ रहे हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और बारिश में आगे हमको मिल गए हैं एक क्या दही बड़ा, वही सब फेमस, तो वही हम अब खा रहे हैं दही बड़ा, थोड़ा सा पेट पूजा करके पूरे घर में सबको सरप्राइज देंगे। बस अभी हम आके पहुंच गए हैं और हम अभी यहीं रहेंगे, और मेरे दोनों भाई आगे जाएंगे, कि मम्मी पापा सबको पता है कि छोटा भाई आ रहा है हैदराबाद से और हम दिल्ली से आ रहे हैं, साथ में हमको लेके जाएगा, ये बात किसी को पता नहीं है, तो हम लोग बाद में पीछे जाएंगे, सभी सभी सरप्राइज हो जाएंगे। और मेरी देखो यहाँ पर विनायक डांस थोड़ा कर रहे हैं, मस्ती है उनका। अब मेरा छोटा भाई है वो कैमरा लेके जाएगा और वीडियो बनाएगा, कैसे सरप्राइज होंगे जब मैं जाऊँ तब। सोनू देखी दो, सोनू की सीमा देखी दो, छोटा भाई आके पहुंच गया है, घर के अंदर आ गया है, अब हम वहीं पे खड़े हैं। तो छोटा भाई फोन करी कॉल लेने से पता नहीं छुरा है, अब मेरी मम्मी ये है, अब ये थोड़ी देर में हम जस्ट आ जाएंगे गांव आके। ना 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 ना
यहाँ पर मेरी मम्मी बोल रही है कि भाई बहन सब मिले जुले हुए मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। एक्चुअली मेरी मम्मी अब जब मैं गाड़ी में बैठ के दही बड़ा खा रही थी तभी फ़ोन की थी कि क्या कर रही है, तो मैं बोल रही थी अभी तो दिल्ली में यहाँ बैठी हूँ, अभी खाना खाई हूँ, ये झूठ मूठ बोली थी। ये है हमारे फैमिली के नए मेहमान जो जिसके लिए हम यहाँ पर दिल्ली से यहाँ तक आए हैं और इसके देखने इसको देखने के लिए, और हम सब बहुत खुश हैं, घर में भी सब बहुत खुश हैं क्योंकि एक्चुअली मेरे जितने भी भाई हैं, बड़े बड़े पापा हैं, उनके बेटे किसी को भी लड़का नहीं, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरे तो कौन खाओ जू अभी देखो विनायक गोदी में लिए हैं अपने छोटे भाई को। एक्चुअली विनायक छोटे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उसके देखते हैं हाथ पैर उठा उठा के देखते हैं, इतने छोटे छोटे हैं शायद उनको लगता है कि ये डॉल है, बहुत प्यार करते हैं छोटे बच्चों को। अभी तक मैं नहीं देखी हूँ छोटे बाबू को, वो छोटा भाई है मेरा, वो बिना कैसे गोदी में लिए था वो वीडियो बना रहा था, मैं आई हूँ देखने के लिए। कौन हैं तो ऐसे हमें गोटा पड़ी ना से नहीं जो था उस दिन पिला ये आसी तब गेलो के साथ ओके मारते अरे ने मुगली आउ काल के मंदिर जोड़ी दा हीरो ये चक चक कर दी दा हीरो तो व्यापार कितने हीरो चलो मामा रही था मुताते वीडियो कर दो ये हमारी सीमा क्या है सचिन में कहलो क्या है सचिन में कौन है क्या है सचिन में तू कह दे तू कह दे नहीं तू हमर कह दे नहीं से सिख क्यों दूँ क्या है सचिन में क्या है सचिन में लपुता जोर से क्या है सचिन में ये हमारे सोनू अभी मेरी नानी माँ आ रही है जो कि मेरा छोटा भाई जाके लेके आया है, कुछ ना कुछ मिल के चल घर आज ये मिलेगा वो मिलेगा ये सब बोल के लेके आया है। अभी वो देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी आप लोग देखिए वो कितनी खुश होगी क्या होगी देखते हैं। মো মন এতে খুশি হল মো বড় ভাল সিধা হয়ে গেল মোকে আসি ছকে কইলা পড়া যাই দিল্লি মু হ্যাঁ বা পড়া বা আসবো রোজগার
अभी तो हमने उड़िया भाषा में बहुत सारे बात कर रहे थे। बस यही थी कि नानी मैं बोली थी कि मुझे किसी ने बताया था कि हाँ तुम्हारा छोटा नाती गया है वो दिल्ली लेके आएगा साथ में, इसलिए मेरी नानी आके पूछ रही थी कि मेरी मम्मी से कि क्या सच है कि ये साथ में दिल्ली गया है लाने के लिए। तो मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, फिर मेरी मम्मी साफ साफ बता दी थी कि नहीं वो नहीं आएगी। अब देखो हम लोग आ रहे हैं, इसलिए सब बहुत खुश हैं और किस किस ने ऐसे सब सरप्राइज़ किए हैं अपने फैमिली को तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन उसके क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।